और आज का ये जो वीडियो है ये मिस्टर शांतनु चैटर्जी का एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो चलिए अभी देख लेते हैं चिली चिकन बनाने के लिए क्या क्या लगता है। चिली चिकन बनाने के लिए देखिए यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया है, छोटा छोटा करके बोनलेस चिकन इसको काट लिया है। और यहाँ पे कैप्सिकम, प्याज, ग्रीन चिली और ये लहसुन छोटा छोटा करके कट कर लिया है। और यहाँ पे एक एग ले लिया है, नमक स्वाद अनुसार और कॉर्नफ्लोर और सॉस ले ली है, चिली सॉस, टोमेटो सॉस, तो सबसे पहले अभी मैं चिकन को मैरिनेट कर दूंगी। तो इसके लिए सबसे पहले कॉर्नफ्लोर जो है कॉर्नफ्लोर से इसको अभी एक कोटिंग देना है। तो इसके लिए देखिए मैं क्या क्या दे रही हूँ। ये कॉर्नफ्लोर दे दिया अभी और अभी इसको अच्छा से अभी इसको मिला लेंगे। अभी देखिए अच्छा से अभी मिला लिया है इसको। और देखिए अभी यहाँ पे एक अंडा जो है इसको दे रही हूँ तोड़ के, और इसको भी अभी यहाँ पे अच्छा से मिक्स कर लूँगी। अभी इसके बाद इसमें थोड़ा सा सोया सॉस दे देंगे और फिर इसको अभी मिक्स कर लेंगे। सोया सॉस दे के मिक्स कर लेंगे और नमक दे देंगे स्वाद अनुसार। तो नमक स्वाद अनुसार दे दिया है, अभी इसको अच्छा से मिक्स कर लेंगे। देखिए मैंने मिक्स कर लिया है इसको। और देखिए अभी इसको थोड़ा सा भी इसमें जो रेड चिली पाउडर है उसको भी मैंने दे दिया है, और जो चॉप किया हुआ गार्लिक था उसको भी दे दिया है। और अच्छा सा भी इसको मिक्स कर लेंगे। और ये मेरा एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, बहुत दिन से ये एक रिक्वेस्ट आया था और इसका रिक्वेस्ट भेजा था रांची से मिस्टर शांतनु चैटर्जी। बहुत दिनों से मेरे पास ये रिक्वेस्ट आया था तो उन्हीं के रिक्वेस्ट से मैं आज ये वीडियो आपके सामने पेश कर रही हूँ। तो देखिए कढ़ाई में सबसे पहले ऑयल दे दिया है। अब एक एक करके जो मैरिनेट करके रखा हुआ, जो आधा घंटा तक मैंने इसको मैरिनेट कर लिया था, अब आधा घंटा तक मैरिनेट करके रखा हुआ जो चिकन है इसको एक एक करके अभी इसको फ्राई कर लेंगे। अब इसको फ्राई कर लेंगे एक एक करके। और इसको मैंने आधा घंटा तक, जो चिकन था इसको मैरिनेट करके आधा घंटा तक रख दिया था आधा घंटे के लिए। अब इसको पूरा जो है इसको फ्राई कर लेंगे, और फ्राई जो होगा वो गोल्डन फ्राई होगा। और देखिए जैसे ही ये एक साइड फ्राई हो गया है फिर इसको पलट लेंगे, दूसरे साइड भी सेम वे में इसको फ्राई कर लेंगे। और देखिए ये गोल्डन फ्राई हो चुका है, कलर बहुत अच्छा है इसका। अब जो तेल में मैंने फ्राई किया है उसी तेल को अभी यूज़ करूँगी, और ये जो प्याज है जो क्यूब के साइज़ में मैंने कट करके रखा है इसको फ्राई कर लेंगे। अब इसमें जो कैप्सिकम है इसको भी दे देंगे सब एक साथ, इसको अभी अच्छा से फ्राई कर लेंगे।
अब देखिए इसको फ्राई कर लिया है और इसमें अभी नमक दे दूंगी स्वाद अनुसार। अब देखिए यहाँ पे ग्रीन चिली जो है इसको भी दे दे रही हूँ अभी। थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी अभी इसको। अब देखिए यहाँ पे टोमेटो केचप, ये देखिए टोमेटो केचप इसको दे दूँगी। फिर थोड़ा सा भी मिक्स कर लूँगी इसको। आप चाहो तो अजीनोमोटो दे सकते हो, मैं अजीनोमोटो प्रेफर नहीं करती हूँ तो इसलिए मैंने अजीनोमोटो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, आप चाहो तो दे सकते हो। और ये जो है ग्रीन चिली सॉस, अब इसको दे दूँगी। और ये भी आप स्वाद के अनुसार दीजिएगा, आप कितना तीखा खा सकते हो उसके ऊपर है, अब जितना तीखा आप खा सकते हो उसके अकॉर्डिंग आप दीजिएगा। क्योंकि ये चिली चिकन है तो चिली का पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा रहता है और ये पराठे के साथ, नान के साथ और फ्राइड राइस के साथ बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। इसको आप घर पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए ये लगभग मेरा हो चुका है, नरम हो चुका है। अब जो है मैं इसमें जो थोड़ा सा इसमें सोया सॉस जो है इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, कलर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और चाइनीज़ में सोया सॉस अगर यूज़ करते हैं तो इसमें कलर का थोड़ा सा बहुत ही अच्छा सा निखर आता है। तो देखिए जैसे ही सोया सॉस दे दिए हैं तो कलर कैसे चेंज हुआ है इसका। तो अब जो चिकन है उसको मैं इसमें दे देती हूँ। ये देखिए ये फ्राई करके रखा हुआ जो चिकन है इसको एक एक करके जो है इसमें दे के और अच्छा से अभी इसको मिक्स कर लूँगी। तो देखिए ये बनके तैयार है मेरा चिली चिकन। और इसको मैं बहुत ज़्यादा ग्रेवी भी नहीं बनाई हूँ और बहुत ज़्यादा जो ड्राई भी नहीं है, ये सेमी ड्राई है। मेरे बच्चों को ऐसे ही पसंद है, मेरे घर वाले को, तो मैंने ऐसे ही किया है। ये आपके ऊपर है, आप अगर बहुत ज़्यादा ग्रेवी चाहते हो तो इसमें आप ग्रेवी भी कर सकते हो। तो ये रोटी के साथ, नान के साथ और राइस के साथ बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों, और बहुत ही अच्छा कलर आया है इसका। तो आई होप कि आपको बहुत होगा। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये रिक्वेस्टेड वीडियो मैंने जो है शांतनु, मिस्टर शांतनु चैटर्जी जो कि रांची में रहते हैं, तो उनके लिए, उनके ही ये, उनके बहुत दिनों से ये एक रिक्वेस्ट था कि ये रेसिपी मैं दिखाऊं। तो आई होप आपको अच्छा लगा। ओके दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।